उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि जिले में ब्लैक फंगस के 21 मरीज हैं। लेकिन जिले में इससे कोई मौत नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्हीं को ये हो सकता है, उनको भी जरूरी नहीं हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए दिमाग से हर आदमी ये निकाल दे कि ब्लैक फंगस हो गया। आजकल तो जरा सी पैनिक इतना हो गया है और कि आदमी जरा सी खुजली हो जाए तो कहते हैं फंगस हो गई, ब्लैक फंगस हो गई। तो मेरे पास ऐसे भी मरीज आए कि कह रहे हैं हमें वाइट फंगस हो गई। ये तो नॉर्मल बात है, बरसात के टाइम में फंगल इन्फेक्शन कॉमन है। तो ब्लैक फंगस जब तक सबूत ना मिल जाए, या तो हम हिस्टोपैथोलॉजी करा लें या MRI CT करा लें, तभी होता है। वैसे नहीं माना जाएगा ब्लैक फंगस, ऐसा आँख में जरा सा दर्द हुआ तो सोचते हैं ब्लैक फंगस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसमें घबराने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और ब्लैक फंगस का इलाज है, ऐसी बात नहीं है। शुरू में शुरुआत। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।